That is. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सिर्फ वापस अक्सर स्कूल गई हुई है, वो भी जब आएगी तो अपना ब्लॉग शुरू करेगी। मैंने कहा मैं शुरू कर लेती हूँ जब तक। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो मैंने शुरू कर लिया, सफाई फाई करके मैं शुरू कर चुकी हूँ। तो वो आती है तो फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। मैंने खाना भी बना लिया, खाना मैं गोभी आलू बना रही हूँ आज, ताकि बच्चे जल्दी आ जाएंगे। आज जल्दी छुट्टी होती है बच्चों की जुम्मे वाले दिन, तो बच्चे आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ आज खाने में। ये किचन है हमारा, मैंने सफाई फाई भी कर ली थी। बस ये आलू मैंने गलाने के लिए रखे हुए, क्योंकि आलू की देर से गलते और गोभी ना जल्दी गल जाती है। मैंने बस ये आलू थोड़े से गल जाए तो मैं इसमें ना थोड़ा गोभी डालूँगी। आज का खाना हमारा जुम्मे में गोभी आलू का खाना है। और शाम को हमने कहीं जाना भी है, इसको ये आपको बाद में ही बताएंगे हम कहाँ जाएंगे। ये देखिए गोभी भी कट के रखी हुई, अभी मैं इसको डालती हूँ। तो सिमाबत से का टाइम हो गया, उसको क्या सिमाबत से रात में दरवाजा खोलती हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक रहा स्कूल आज का दिन? हाँ। चलो अच्छा, सलाम तो करो अपने व्यूवर्स को, तो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज जुम्मा है तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। बस चलो जूते मोजे उतारो, बैग रखो अपने अपनी अपनी जगह पे रखना। बस इनको अभी मैं जुम्मा है, नाना दोना भी करेंगे, ये लोग आ गए जल्दी। बस ये अक्सर बैठी हुई है, ये सिमाप खड़ी हुई है। आपको हमने एक भी लोग दिखाया था, इनके पापा के कज़न है ना, हज पे जा रहे थे, हमारी भाई और भाभी हज पे जा रहे थे। तो वो उनके लिए हम लोग वो हज पे हज से वापस आ गए, मगर हम लोग यहाँ नहीं थे, कराची में थे, तो उनको मुबारकबाद देने नहीं जा सके। तो हमने सोचा कि आज मुबारकबाद देने जाए उन्हें, और कुछ हम कराची से उनके लिए गिफ्ट लाए थे तो वो पैक कर रहे थे। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, आपको दिखाते दिखाओ बेटा, अच्छा दिखाओ। ये भाभी के लिए हमारी, उनकी इनके पापा की कज़न की बीवी के लिए ये सूट है। खोल के दिखाओ बेटा, ये मैं कराची से सूट लेकर आई थी। अभी इसकी पैकिंग कर रहे हैं, फिर उनके घर जाने को है कि चले जाते, काफ़ी दिन हो गए मुबारकबाद देने चले जाते। दिखाओ खोलो, बस ये खोल नहीं रहे क्योंकि फिर इसकी ना तय ना ख़राब हो जाएगी, हमसे ना नहीं तय होगी, देर भी हो रही है जाने के लिए, शाम हो गई है। तो हमने बस निकल रहे हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी इसकी पैकिंग करेंगे। उनके लिए भाभी के लिए सूट है, और ये भाई के लिए सूट है हमारे, इनके पापा के कज़न के लिए सूट है। वैसे तो हमारे फूफी के पोते भी है, तो उनके लिए, उनके पापा के कज़न है, मामू के बेटे। ये दो सूट लिए, हमने कहा चलो उनको दे आते, मुबारकबाद भी दे कर आ जाते, और ये सूट गिफ्ट भी दे देते उन्हें। ये आपको हमने दिखा दिए, ये देखिए ये है। चले ये पैकिंग करेंगे, इसकी गिफ्ट पैक में पैकिंग में करेंगे। चले अक्सर उससे माफ करो, ये कर लेते फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने पैक कर लिए, दोनों सूट पैक कर लिए। बस अभी हम भी तैयार होते, रेडी होते, चले तैयारी करते जाने की। ये दोनों सूट सीमा वो चोपड़ में रखो, देखिए प्यारी प्यारी हुई है ना पैकिंग हुई है, अच्छी लग रही है पैकिंग, ये भी अच्छी लग रही है। हाँ दोनों सूट रखो, हार इन्होंने पहना दिए थे, इनके पापा इधर ही थे, हम लोग कराची में थे, हार इन्होंने पहना दिए थे उन लोगों को जब वो आए थे ना हज से, उसी टाइम पहना दिए थे एयरपोर्ट में या घर पे जाके। वो बस हम सूट लेके जा रहे हैं उनके लिए।
जी बस चप्पल में हमने रख दी, बस अभी हम तैयारी करते जाने की कि आपको मिलते हैं। अगर वहाँ का व्लॉग बनाए बनाने देगी तो थोड़ा सा बना लेगी, आपको दिखा देगी, वरना नहीं, मगर उनका बाहर का ऐसा हम दिखा देंगे आपको। ये अक्सा है, सभी तैयार हो गए। अक्सा ने रेड वाला सूट पहना है, सिमा ने सूट वही पहना है, बस पोनी वोनी बांध लिए और तैयार। सिमा सिमा अक्सा पकड़ो, कमेंट में बताइएगा अक्सा कैसी लग रही है। माशाल्लाह अच्छी लग रही है ना सीमा, आप इधर बस अभी गाड़ी बाहर निकाल रहे रेडी। ये सीमा पे सीमा ने सूट वही पहना हुआ, बस बाल बाल बना लिए, बस चलते हैं निकल रहे। ये वहाँ का रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। हम उनके घर पहुंच चुके हैं, उनका घर है, अभी हम लोग निकलते गाड़ी से, फिर हम आपको मिला। ये बैठे हुए अयुब भाई हमारे यहाँ करके आए, यहाँ उन्होंने हमारी चीजें रखी हुई है, कबाब रखे हुए, बिस्किट है, समोसे, सैंडविच वगैरह बना रहे हैं, कुछ खजूर है। आप जमजम हमने पी चुके हैं, आप जमजम किया था हमने, यहाँ पे जमजम रखा हुआ है, देखिए कितना अच्छा है जगह इसका, जगह छोटी छोटी प्यारी आए कप, ये वहीं से लेकर आए थे हमारे भाई, वहीं से लेकर आए, खजूर दी हमें खाने के लिए, अभी सीमा भक्त सब पिएगी। इस बाबू के ऊपर का इनका पोर्शन है, माई भाभी का ऊपर का पोर्शन है, वालों का ये झूला है, इसी बाप झूले में बैठ गई, ऊपर आने से सांस फूल गई है, और ये ऊपर ऊपर की जा रही है सीढ़ियाँ छत की, दो किचन बने हुए इनके। किसी का बड़ी वाली का आपका है, ये इनकी छोटी बहू का है रूम, आपको दिखा रही ये बेड है, ये किचन देखे माशाल्लाह कितना अच्छा बना हुआ है, किचन दो फ्रिज रखे हुए, चेयर है, चेयर ये यूज करते हो दीवार ऊपर वाला? नहीं नहीं करते ना, आप तस्वीर क्यों चल रही है इसमें? ये बड़ी बहू का, अच्छा ये झूला रखा हुआ है, झूला है, अब आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं इनका, ये ऊपर का दिखा रही मैं क्योंकि ये ऊपर जाती है सीढ़ियाँ सारी ऊपर छत, ये किचन शहरी तो बेटा को इंतजार कर रहे, शहरी तुम एक काम करो, छोड़ दो तुम उनको बाहर, तुम लोग बैठो।
टेन इज अक्सा बैठ भी झूले में कह रही मैं झूला झूलू झूले की मेरी फोटो खेचो झूलो हिल नहीं रहा नहीं हिलेगा नहीं जगह नहीं है ना नहीं हिलेगा नहीं हाँ बस जगह कम है ना इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है। हम लोग घर आ चुके और रात भी बहुत हो गई तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और हमें सुबह स्कूल जाना तभी हम सोने जा रहे थे तो मैंने कहा कि इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं तो इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। हमारे व्लॉग को आप लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे इस वीडियो में कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।